दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो केवाईसी है वीडियो केवाईसी होने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये दोस्तों सिर्फ आधार कार्ड की मदद से हम लोग केवाईसी करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो देखा होगा, मुझे पता है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को काफ़ी वीडियो इस तरीके का दिखाया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आज से स्टार्ट हो चुका है, अभी से स्टार्ट हो चुका है। और जाकर के दोस्तों वहाँ पर क्या होता है कि आपको ले जाते हैं दोस्तों दूसरे तीसरे जगह पर आपको ले जाते हैं और आपको बताते हैं आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में जाना है, यहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाना है और जाकर के आपको केवाईसी करना है। तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, हम लोगों को यहाँ पर जो केवाईसी है हम लोग कंप्लीट वहाँ पर भी नहीं कर पाते हैं। जबकि दोस्तों वो वीडियो मैंने देखा, काफ़ी वीडियो मैंने देखा दोस्तों, जबकि वो सारा सर फ्रॉड वीडियो बनाया जा रहा है यूट्यूब पर। कुछ लोग यहाँ पर दोस्तों आ गए हैं यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आप सभी को फैलाया जा रहा है। तो दोस्तों केवाईसी करने का जो सही तरीका है, वाकई में दोस्तों केवाईसी जो है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर हो रहा है, ये दोस्तों आपको चेक करना होगा आपके मोबाइल से ही, ठीक है, कि आपका केवाईसी अभी होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये केवाईसी जो होगा ये लमसम दोस्तों सभी को केवाईसी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ लोग केवाईसी कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों केवाईसी कौन लोग कर पाएंगे और किस तरीके से कर पाएंगे, यहाँ पर देखिए सिर्फ यहाँ पर मैं कनेक्ट करूँगा दोस्तों और हमारे पास जो है यहाँ पर केवाईसी जो हमारे यहाँ पर है सक्सेसफुली तुरंत यहाँ पर मैं कंप्लीट कर लूँगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा दोस्तों, किस तरीके से आखिर ये मुझे ऑप्शंस मिला, काफ़ी लोगों को यहाँ पर नया पेटीएम अकाउंट बना रहे हैं और उनको दोस्तों ये ऑप्शंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो कैसे करेंगे क्या करेंगे सारा डिटेल में जानकारी इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को कर देना आपको प्यारा सा लाइक और चैनल को हमारे लाल वाले बटन दबा के कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर दोस्तों आपको इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती है दोस्तों और आगे भी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको डिटेल में दिखाते हैं। जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा दोस्तों बिल्कुल उसी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, तभी जाकर के आपका केवाईसी हो पाएगा दोस्तों, नहीं तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी केवाईसी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आधार कार्ड की मदद से दोस्तों केवाईसी होगा, दूसरा में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो केवाईसी रिक्वेस्ट लिया जाएगा, तीसरा दोस्तों आपका केवाईसी यहाँ पर वीडियो केवाईसी के माध्यम से यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। तो कैसे ये केवाईसी होगा दोस्तों, सारा लोगों ने यहाँ पर काफी वीडियो बना करके रखे हुए हैं, लेकिन चलिए जो मैं बताऊंगा जैसा स्टेप बताऊंगा उसी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, तभी जाकर के केवाईसी होगा दोस्तों, नहीं तो आपका केवाईसी नहीं हो पाएगा दोस्तों, पेंडिंग ही रह जाएगा। तो चलिए कौन सा ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को आपको जरूर से लाइक करना है दोस्तों और चैनल को हमारे लाल वाले बटन दबा के सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको डिटेल में दिखा देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो ट्रिक है ये आप में वर्क तब करेगा जब दोस्तों अगर आपके पास पेटीएम एप्लीकेशन है तो आपको उसे अनइंस्टॉल कर देना है। और मैंने दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसी पर आपको क्लिक करके डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो एप्लीकेशन जो है दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन इस तरीके का डाउनलोड होने लगेगा। याद रखना है दोस्तों आपके पास जो पहले से पेटीएम अकाउंट पड़ा हुआ है उसको अनइंस्टॉल कर देना है, नहीं तो दोस्तों अगर आपका केवाईसी नहीं होगा फिर मुझे मत कहना कि भाई मेरा केवाईसी नहीं हो रहा है किस तरीके से तुमने बताया। तो इस चीज़ का दोस्तों आपको सख्त से ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। आपको पेटीएम जो पुराना पेटीएम है उसको आपको डिलीट करना है, मैंने एक नया जो लिंक दिया हुआ उसी लिंक से आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है। और हमने दोस्तों एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ, उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग दोस्तों डाउनलोड करने के बाद उसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उससे दोस्तों आपको क्या होगा कि कोई भी नया वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो डाउनलोडिंग है स्टार्ट हो चुका है 100%, इसलिए हम डाउनलोड होने देते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी उसी मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना है जो मोबाइल नंबर से अभी आपने पहले पेटीएम अकाउंट को लॉगिन किया हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों डाउनलोड जो है स्टार्ट सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट इंस्टॉल हो जाता है, इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों जो डाउनलोड है यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको उसी मोबाइल नंबर से दोस्तों आपको पेटीएम एप्लीकेशन को लॉगिन करना है जिससे दोस्तों आपने पहले से किया हुआ था, जो आपके बैंक अकाउंट के साथ दोस्तों मोबाइल नंबर लिंक है। तो चलिए हमारे पास जो लिंक है दोस्तों उसी नंबर से लिंक करेंगे। और याद रखना है सारे चीज़ को आपको अच्छे तरीके से समझना है दोस्तों, नहीं तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर मुझे कहना मत कि भाई मेरे केवाईसी में ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ध्यान से देखना, चलिए मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर देता है, आपको भी लॉगिन कर लेना है। फाइनली दोस्तों ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का दोस्तों आपको लॉग के लिए परमिशन आपसे मांगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना पेटीएम एप्लीकेशन को यहाँ पर दोस्तों लॉग जो है इनेबल करना, उससे क्या होगा दोस्तों कि आपका कोई भी अकाउंट को छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल हम इसे स्किप कर देते हैं। लॉगिन कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आ चुका है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक प्रोफाइल का ऑप्शन मिला है, इस पर आपको क्लिक करना है। आने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, तो आपको कुछ चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट सेटिंग्स, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, आपको केवाईसी करने के लिए आपके सामने दोस्तों जो पेज है वो आपका लोडिंग लेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा यूपीआई लिंक की और बैंक अकाउंट। अगर अभी तक आप लोगों ने बैंक अकाउंट को नहीं जोड़ा है जिसके लिए आप पेटीएम अकाउंट चलाना चाहते हैं, तो आपको इस पर जस्ट क्लिक करना है, पहले बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा, तभी जाकर के आपका केवाईसी सक्सेसफुल हो पाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, यहाँ पर जो है किसी को यानी कि जो यहाँ पर है लिंक नहीं करते हैं, आप केवाईसी डायरेक्ट करने चले जाते हैं। चलिए अब इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। हालांकि हमने पहले से बैंक अकाउंट ऐड करके
रखा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी बैंक अकाउंट आपका होगा उसको आपको ऐड कर लेना है, जिससे दोस्तों आपने फोन पे या गूगल पे चला रहे हैं उसी बैंक को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके ऐड कर लेना है। ऐड करके आपको होम पेज पर चले जाना है। चलिए मैं चलता हूँ। आने के बाद दोस्तों किसी दोस्त को आपको स्कैन करके या किसी तरीके से दोस्तों आपको 1 रुपये किसी दोस्त को सेंड करना है। इससे दोस्तों आपको क्या होगा कि पेटीएम KYC के लिए दोस्तों एलिजिबल आप हो जाएंगे। होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, KYC कैसे करनी है, चलिए मैं आपको टोटल जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च बार में आना, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर आपको लिख देना है KYC। और यहाँ पर दोस्तों KYC लिख के आपको सर्च कर देना है। याद रखना है आपको अच्छे तरीके से समझना होगा इस चीज़ को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको KYC नियर पॉइंट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासवर्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो आपने काफ़ी वीडियो में देखा होगा इस तरीके का बताया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर से किसी एक चीज़ को आपको डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं आधार नंबर डालूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है, उसका फुल नाम डालना है, और आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको एक्टिवेट माई वॉलेट में आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों क्लिक करोगे आपके सामने नेक्स्ट डिटेल निकल के आ जाएगा। तो चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ फटाफट से। नेक्स्ट डिटेल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो है इस तरीके का सेलेक्ट देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, सेलेक्ट कंप्लीट योर फुल KYC फ्री, यानी कि दोस्तों जो आपका KYC है वो फ्री में किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो KYC के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, वीडियो KYC वाला ऑप्शन क्लिक करना है। आपके पास दोस्तों याद रखना, ध्यान से देखना सारे चीज़ को, आपके पास जो मोबाइल नंबर जो आपने पेटीएम अकाउंट में दिया वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस पर आपको टिक लगा के प्रोसीड में क्लिक करना है। और जैसे दोस्तों प्रोसीड में क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या होगा, एक अधिकारी दोस्तों यहाँ पर OTP डाल के कन्फर्म करना है। उसके बाद दोस्तों एक अधिकारी के साथ आपका कॉल कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से KYC कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।